अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो यहाँ पर जो है मेरे भाई आए हुए थे और वो आते ही जो है ना बच्चों को ढूंढ रहे हैं कि अहमद कहाँ है, मीरब कहाँ है। तो बस आते ही सबसे पहले उनको जो है ना वो ढूंढ रहे होते हैं, हमेशा ही ऐसा होता है, फिर मुझसे जो है ना मिलते हैं। तो मैंने जैसे आपको बताया कि मेरा जो है बर्थडे व्लॉग है ये, तो ये 4 जनवरी थी, मेरी बर्थडे थी 5 जनवरी को। तो भाई जो है केक लेके आए थे, वो यहीं पर आए हुए थे, तो उन्होंने कहा मुझे याद आया कि तुम्हारी बर्थडे है 12 बजे के बाद, तो मैं केक लेके देके जाता हूँ तुम्हें। तो फिर वो जो कैंडल लेके आए थे उस पर लिखा हुआ था बर्थडे बॉय। तो उन्होंने जब निकाली तो वो खुद हंस रहे थे कि ये बर्थडे बॉय वाली जो है ना मैंने पता नहीं कैसे ले ली। तो फिर वो खुद ही कह रहे थे कि तुम मेरा बेटा तो हो ना, तभी तो जो है ना ये खुद ही आ गई है। तो खैर, थैंक यू सो मच टू हिम। और वाकई में मैं उनका जो है ना बचपन में जैसे भाई होते हैं ना, मेरी हेयर कटिंग जो थी लड़कों की तरह होती थी, मेरी ड्रेसिंग भी लड़कों की तरह होती थी, और मैं भाई के साथ जो है ना बैठ जाती थी। तो खैर, फिर भाई को जाना था जल्दी से, तो मैंने सोचा मैं खाना बना लूँ, लेकिन भाई ने कहा कि नहीं मुझे जाना है। तो बस जल्दी से मैं कॉफ़ी बना रही हूँ। भाई को जो है वो कैपोचिनो कॉफ़ी जो है वो पसंद है, वो घर पे भी हमेशा जब भी बनवाते हैं तो वो यही बनवाते हैं। थोड़ी सी इसमें मेहनत होती है पर बहुत ही अच्छी बनती है। तो मैं ज़्यादा तो उसको नहीं कर पाई थी क्योंकि वो वेट नहीं कर रहे थे, उनको बस कुछ ही मिनट्स बैठना था, फिर जाना भी था उनको। तो बस फिर मैं कॉफ़ी लेके आई थी, थोड़े से मैंने ड्राई फ्रूट्स रख दिए थे और बच्चे भी बैठे थे अपने मामा के साथ। तो फिर भाई जो है चले गए थे और फिर ये यहाँ पर जो है हम डिनर कर रहे हैं। अभी तक 12 नहीं बजे हैं, तो बस 12 बजेंगे तो ही मैं जो है अपना केक कट करूँगी। तो जी यहाँ पर जो है 12 बज चुके थे, हमने खाना खा लिया था उससे पहले, और यहाँ पर मेरी बर्थडे हो रही थी। तो आप सोच रहे होंगे 2 केक क्यों है, तो इस पर लिखा हुआ है, समझ तो गए होंगे आप। वैसे मेरे हस्बैंड ने जब मुझसे पूछा कि देखो इस पर क्या लिखा है, तो मैंने उनको कहा इस पर लिखा हुआ है हैप्पी बर्थडे डियर वायर। तो वो हंस रहे थे, मुझे भी पता था इस पर वाइफ लिखा हुआ है, लेकिन लग वो जो है ना एफ थोड़ी सी ऐसे हो गई थी और क्रीम जो है उसके उतर के उसके जो है लग गई थी कवर पे। तो खैर, और बस मैं यहाँ पर जो है केक कट कर रही हूँ, और मैंने दोनों केक काटे थे और उस पर जो है अहमद ने ड्रामा किया था कि केक जो है मेरा है, आपने क्यों काटा, वो मुझे काटना था। क्योंकि अहमद का यही होता है कि वो एवरी वीक जो है ना वो अपनी बर्थडे कर रहा होता है, वो केक कहीं से वो ला रहा होता है, या अपने चाचू को कह रहा होता है, या मामा को कह रहा होता है, या अपने बाबा को कह रहा होता है, और उसको जो है ना केक कट करने का बहुत शौक है। तो ये नाराज़ होकर उठ गया था कि ये मेरा केक है, और फिर बस मैंने उसको कैसे भी करके वो दूसरा पीस उठा के एक केक को पूरा करके उसको दिया था, फिर जाके ड्रामा ख़त्म हुआ था। और उसने फिर भी जो है ना वो कह रहा था नहीं ये आपने कट तो किया ना। तो बस ये बच्चे होते हैं और क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम उसको जो है ना रेडी करके दे रहे हैं कि बेटा आ जाओ आप काटो केक, मुझसे गलती हो गई, मुझे एक ही काटना था। तो बस यहाँ पर जो है अहमद अपनी बर्थडे कर रहा है एज़ यूजल, और मेरे हस्बैंड यहाँ पर मुझे कह रहे थे कि मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट नहीं ले आ सका, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा था कुछ कि मैं क्या ले आऊँ, और तुम बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करती हो मेरी बर्थडे प्लानिंग्स करती हो, मुझे नहीं समझ आ रहा था मैं क्या करूँ, बस मैं केक लेके आया, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। मैंने कहा इट्स ओके, पर वो कह रहा था नहीं तुम नाराज़ हो रही हो। तो मैं नाराज़ नहीं हो रही थी, पर फिर भी उसको लग रहा था कि मैं नाराज़ हो रही हूँ। तो खैर, फिर सुबह को वो जो है कुछ चीज़ें भी लेके आया था और मुझे गिफ्ट भी मिला था, पर थोड़ा सा लेट से मिला था, पर मिला था मुझे, और वो मैं आपको दिखाऊंगी लास्ट में, देखिएगा ज़रूर। और ये सेकंड डे है, यहाँ पर जो है दोपहर में ये जो है लेके आ गए थे ये फास्ट फूड, जो कि बच्चों ने थोड़ा थोड़ा सा खाया था, इन्होंने खुद भी थोड़ा सा खाया था, फिर हमने नहीं खाया था इतना, क्योंकि मैंने खाना बना लिया था उस दिन।
और यहाँ पर मैंने जो है पुलाव बना लिया था, और पुलाव था आलू और बहुत सारे धनिया इसमें थे, वो मैंने पुलाव बनाया था। मुझे ये बहुत पसंद है, तो मैंने अपनी बर्थडे पे जो है अपना फेवरेट पुलाव बनाया था। खैर वो इत्तेफाक से बन गया था। और यहाँ पर मैं बच्चों को जो है ज़बरदस्ती खिलाने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि बच्चे मेरे राइस नहीं खाते, पता नहीं क्यों। बच्चे नहीं तो शौक से खाते हैं, ये बस आलू खाते हैं और राइस छोड़ देते हैं। तो खैर यहाँ पर जो है फाइनली मुझे गिफ्ट मिल रहा है, और ये मेरे हस्बैंड ने मुझे दिया, और मैं आपको ओपन करके दिखा रही हूँ। और ये जब दे रहे थे तो ये कह रहे थे कि पता नहीं तुम्हें पसंद आएगा या नहीं, क्योंकि पहले ऐसा हो चुका है, ये ईद पे या कोई ड्रेस लेके आए थे मेरे लिए, तो मुझे जो है ना वो पसंद नहीं आई थी, क्योंकि मर्दों की पसंद बहुत ही अलग होती है, तो मुझे वो पसंद नहीं आया था। तो उसके बाद इन्होंने कहा मैं तुम्हारे लिए कोई ड्रेस नहीं लेके आऊँगा। तो फिर उसके बाद जो है ना इसमें ड्रेस है, मैंने बता दिया आपको, तो ये मेरे लिए ड्रेस लेके आए थे। तो मैंने कहा ये तो मैं पहनूंगी ज़रूर, क्योंकि वाकई में मैंने जब इनको मना किया था तो इन्होंने लाना ही बंद कर दिया था। तो मैंने कहा ठीक है, मैं इसको जो है ना अच्छा सा सिलाई करवा के और मैं पहन लूँगी। और इसमें थी एंकलेट्स, थी एंकलेट्स मुझे बहुत ज़्यादा पसंद हैं, तो उनको पता था और वो लेके आए थे, ये बहुत ही अच्छी थी। और उसके बाद ये ड्रेस था, और ड्रेस भी अच्छा था, और मेरे हस्बैंड ने दिल से दिया था, और ये मेरे दिल के बहुत करीब है, तो ये मैं ज़रूर सिलवाऊंगी इंशाल्लाह। तो जी यहीं तक था मेरा आज का व्लॉग, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कैसा लगा आपको। मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें, और साथ में जो है बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।